मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। नमस्कार, युद्धरा मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो मूवी 20 सितंबर को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी इतनी धमाकेदार होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों की सोच से वो परे होने वाली है। एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक डायलॉग। तो पहले जो उसका ट्रेलर आया है ना, हम वो देख लेते हैं। मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया, लेकिन कभी चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। काफी गर्मी है तुम लोग में, मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। आपको लगा कि मैं अभिमन्यु हूँ, मैं उसका बाप हूँ अर्जुन। युद्धरा has got a serious ambition. बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। गिरीश बिल्कुल तुम्हारी तरह था, अंगे लेने का शौक था उसे, शायद इसीलिए उसकी जान गई। को बोलेंगे प्लीज कि मुझमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी सजा कम ही कर दें। अब मेरे को बोलने के कसाई का काम अंडे में बैठने का नहीं होता है, काटने का होता है। फिरोज देश का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है, जो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते। अभी अपना माल मेड इन चाइना हो गया, फिरोज उनसे 5,000 किलो कोकेन खरीद रहा है। एक बार मौका दीजिए, मैं लेके आता हूँ उसे आपके पास। ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है, पर मौत को ये मंजूर नहीं। दोस्त है ना अपनी, एक बार पहले भी आई थी मेरी जान बचाने। क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। खतरनाक ट्रेलर था, एक खतरनाक का ये बात था, क्योंकि इसमें शुरुआत में महाभारत काल में अभिमन्यु के बारे की बात की जाती है कि अभिमन्यु सीख तो गया था पर भेद नहीं पाया था। मैं अभिमन्यु नहीं, मैं उसका बाप अर्जुन हूँ, ऐसे कह रहे हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी। और वो एक आर्मी मैन के बेटे हो दिखाए गए हैं इसमें। जो राम कपूर है ना, वो उनके पापा की कहानी उनको सुनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं जो ये हमको बता रहे हैं ये हमारे जज को बताओ ना, क्योंकि वो किसी केस में फंस गए हैं और शायद उनको बहुत बड़ी सजा होने वाली है। तो कहते थोड़ी सजा कम हो जाएगी। वो इनकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते क्या तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकता? अगर नहीं छोड़ सकता अपने लिए सही, मेरे लिए सही, गुस्सा तो छोड़ दो। पर उनको गुस्सा बहुत आता है। वो कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उनकी पिटाई होती ना तो उनके यहाँ से खून निकलना होता है बहुत ज़्यादा। फिर वो आर्मी में दिखाए जाते हैं और राम कपूर कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने ये काम शुरू किया था, तुम इस काम को ख़त्म कर दो। इंटरवल के बाद में क्या दिखाया जाएगा वो सुनना। इंटरवल के बाद में दिखाया जाएगा कि एक बहुत बड़ा गैंग है जिसमें कोकीन का व्यापार होता है, इधर से उधर कोचीन पहुँचाई जाती है, कोचीन नेपाल कई देशों में पहुँचाई जाती है। उसका जो लीडर होता है राम कपूर, इनको भेज देते हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी को कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, और वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। इस बीच में शायद वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि वो पानी में डूब रहे होते हैं ना, और वो कहते हैं वो भी तो अपने दोस्त हैं। मतलब बहुत धमाकेदार एक्शन से भरा, डायलॉग से भरा, सस्पेंस और थ्रिलर से भरा, बहुत अच्छा ट्रेलर था। वो भी कई लैंग्वेजों होगी, पर जितना एक्शन इस मूवी में इकट्ठा करके भर दिया गया ना, सच में ये धमाल मचा देगा।
क्योंकि इसका टीजर, इसका ट्रेलर इतना धमाल था। टीजर तो इसका बहुत साल, 2-3 साल पहले आया था, तो सोचिए कि मूवी कितना धमाल मचाएगी। इसमें आपको देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालिका मोहनन, राघव जुवाल, फरहान अख्तर इसके डायरेक्टर हैं। इसमें दिखाया गया था ना, जितने भी डायरेक्टर एक्टर सबके बारे में इसमें दिखाया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या सच में जो उनके माँ बाप होते हैं वो मारे जा चुके हैं, या जो कसाई खाने की बात करता है ना कि कसाई खाने में बैठना नहीं होता बल्कि काटना होता है, वो उनका बाप है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेलर दिखाया गया इसमें उनके पापा मिलिट्री मैन होते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था ना उसमें जो गजराज राव है और सिद्धार्थ चतुर्वेदी है उनकी पक्का अदला बदली हुई है। पर इसमें वो कहते हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसा हमने देखा और सुना इस ट्रेलर में। मूवी में देखने के बाद में कुछ और पता चलेगा। हम आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिए कि मैम इस मूवी का टीजर आया है, इस मूवी का ट्रेलर आया है। वैसे हम कोशिश पूरी करते हैं टीजर और ट्रेलर देखने की, पर कभी कभी छूट जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मैम इस मूवी का टीजर आया है और इस मूवी का ट्रेलर आया है, तो हम जल्दी से जल्दी आपको रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। आप और हम मिलके रिएक्शन वाले रील चैनल को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले रील को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।